Hello everyone. So today we're going to discuss about one more new topic from class 10th English grammar. So its name is Subject-Verb Concord. Ab Subject-Verb Concord kya hota hai? Aaj hum usi ke baare mein discuss karenge aur discuss karenge ki iske kya kya jo cases hain sentences mein hote hain, kis tarike se hote hain aur unka use hum kis tarike se karenge aur कहाँ कहाँ करेंगे, किन किन सेंटेंसेस में करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहली बात, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉनकॉर्ड का मीनिंग होता है एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब अग्री करता है कोई भी जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ अग्री करे. देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉनकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. एग्रीमेंट की कोई अगर सब्जेक्ट जो है अग्री कर रहा है वर्ब के साथ, इट सजेस्ट दैट द वर्ब अग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और वर्ब जो है आपस में एग्रीमेंट करते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट. अब वर्ब अग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसके कितने नंबर्स हैं और वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और कितने नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग. जब हमारी वर्ब अग्री करती है, जब हमारे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, तब जो कॉनकॉर्ड होता है, तब जो अग्रीमेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब हमारा एग्रीमेंट. अब देखिए अब इसमें आगे क्या आता है कि जो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो हमारा लेगा सिंगुलर वर्ब, और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो हमारा लेगा प्लूरल वर्ब. अब आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता होना चाहिए. सिंगुलर होता है जब एक की बात की जाए, प्लूरल जब होता है जब एक से ज्यादा की बात की जाए, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो या कितने भी हो. एक होगा तो वो सिंगुलर होगा, या एक से ज्यादा जब भी बात करते हैं हम तो वो हमारा होता है प्लूरल. ठीक है, तो जब भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी, जब भी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी. अब सिंगुलर वर्ब में जब हम एक की बात करते हैं तो हम लगाते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर. ही जो है हमारा एक ही पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है, सो हमारा ही इज राइटिंग अ लेटर. आई एम रीडिंग द बुक, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर वर्ब लगेगी इज. आई एम रीडिंग द बुक, शी इज रीडिंग द बुक. या फिर हम कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब है हमारी एम, इज एम, इज एम जो है, और अगर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं आर, कि दे आर रीडिंग द बुक. ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, जैसे आपको बताया अभी रीटा इज अ गुड गर्ल. अब रीटा की बात की जा रही है, रीटा जो है सिंगुलर पर्सन है, एक ही गर्ल है रीटा, रीटा की बात कर रहे हैं तो हमने लगाया रीटा इज अ गुड गर्ल. हमने यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट. अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, हम उसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब. तो हमने यहां पर लगाई इसके साथ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, अब बात आती है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वर्ब भी उसके साथ क्या लगाई, सिंगुलर. अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, हमने लिखा रीटा एंड मीना आर, रीटा एंड मीना आर गुड गर्ल्स, हमने ये लिखा रीटा एंड मीना आर गुड गर्ल्स. अब रीटा की बात की तो हमने कहा था रीटा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने लगाया इज, इज क्या है सिंगुलर वर्ब है, सो रीटा इज अ गुड गर्ल. अब बात आई रीटा एंड मीना, अब रीटा के साथ हमने किसको जोड़ दिया, मीना को, तो हमारे पर्सन कितने हो गए, टू हो गए, रीटा भी है और मीना भी है, तो हमारी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया.
इनके साथ हमें क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब क्या है, वो है हमारी आर. सो रीटा एंड मीना आर गुड गर्ल्स, क्योंकि एक गर्ल होगा तो गर्ल लिखेंगे, दो होंगी तो हम गर्ल्स लिखेंगे. सो रीटा एंड मीना आर गुड गर्ल्स, ये हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब. अब इसी तरीके से देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक. आई है, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हमने लगाया इसके साथ एम. आई एम रीडिंग अ बुक, हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमारी सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, नेक्स्ट आता है दे आर रीडिंग अ बुक. अब देखिए, मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रही हूं. आई एम रीडिंग अ बुक, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था, आई अपनी बात कर रही हूं इसलिए लगाया एम, सिंगुलर वर्ब लगाई. दे आर रीडिंग अ बुक, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट. दे आर इसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब, सो बना दे आर. हम दे इज रीडिंग अ बुक नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है. यही बात आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराने का मतलब यही है कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते. सिमिलरली जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते. like, हमने किया कि आई आर रीडिंग अ बुक नहीं कर सकते, आई एम रीडिंग अ बुक, ही आर रीडिंग अ बुक नहीं हो सकता, ही इज रीडिंग अ बुक होगा, शी आर रीडिंग अ बुक नहीं होगा, शी इज रीडिंग अ बुक होगा. सिमिलरली दे इज रीडिंग अ बुक नहीं होगा, दे आर रीडिंग अ बुक होगा. ठीक है, ये आपको समझाना चाहती थी मैं, दे आर रीडिंग अ बुक. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है जब भी हम इन्हें करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करते हैं तो कुछ केसेस आते हैं कि अगर ये होगा तो वो होगा. कुछ सेंटेंसेस में केसेस आते हैं तो वो केसेस हम करते हैं. हमारे पास 6 केसेस हैं यहाँ पर, सो उन्हें हम डिस्कस करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो हम वहां पर किस तरीके से अपने सेंटेंस को जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो हम वही करने वाले हैं. देखिए, स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहली बात, नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट. जब हमारा सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो तब हम क्या करेंगे. जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को हमें एग्री, हमारी वर्ब एग्री होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट के साथ. सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा जो है वो सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को जो है अग्री कराएंगे. सो देखते हैं हम हमारा सब्जेक्ट देखते हैं. देखिए, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट. सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि हमारा जब सब्जेक्ट नाउन फ्रेज होगा तब हम क्या करेंगे. तो हमारी जो वर्ब है वो अग्री करेगी विद द हेडवर्ड. जो हेडवर्ड होता है वो होता है हमारा मेन वर्ड. तो हमारी वर्ब जो है वो हेडवर्ड के अकॉर्डिंग अग्री करेगी, ना कि हमारे जो है ये जो दूसरे बाकी वर्ड है उनके वर्ड नहीं, जो मेन हेडवर्ड है उससे. अब देखिए, वन ऑफ द बॉयज लिव्स इन आर लेन. One of the boys lives in our lane. Lane होता है हमारी गली में रहता है. One of the boys मतलब जितने भी boys हैं वहां पर, जो मान लो किसी, हम किसी group की बात कर रहे हैं कि उस group के जितने भी boys है उनमें से एक लड़का हमारी गली में रहता है, हमारी lane में रहता है. One of the boys lives in our lane. अब आप ये सोचोगे, जब एक लड़के की बात हो रही है तो हमने वहां पर lives क्यों लगाया. देखिए, हमारा यहां पर जो सब्जेक्ट है वो बॉयज नहीं है, वो है हमारा वन, क्योंकि हम वन के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना कि बॉयज के ऊपर. ठीक है, वन ऑफ द बॉयज लिव्स इन आर लेन. सो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, वो है हमारा वन. हमारा सब्जेक्ट बॉयज नहीं है. हम अगर सोच रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट बॉयज है तो हमारा सब्जेक्ट बॉयज जो है वो नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है वन, इसीलिए यहां पर आएगा लिव्स. ठीक है, वन ऑफ द बॉयज
lives in our lane. एक boy की बात हो रही है, उस group में से एक boy जो है वो हमारी lane में रहता है. So one of the boys lives in our lane. ठीक है, next देखिए, next में हमारा ये आता है two or more singular subject. जब दो या दो से ज्यादा singular subject की बात की जाती है तब हम क्या use करेंगे. देखिए, अगर मैं कहूँ मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता वेंट, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर हैविंग लंच, तो मैंने मिस्टर गुप्ता की बात भी की, मिसेस गुप्ता की बात भी की. अब दोनों एक तो नहीं है, दोनों अलग अलग है. वही बात वो कह रहा है कि अगर जो दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएं तब हम क्या करेंगे. सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता की बात कर रहे हैं. तो लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट ही दो या दो से ज्यादा आ जाए, यानी कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा आ जाए, तब हम क्या करेंगे. अगर वो दोनों ज्वाइन है बाय एंड, दोनों अगर ज्वाइन है, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता एंड से ज्वाइन है, तब हम क्या करेंगे. एंड रेफर्स टू टू पर्सन्स, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. एंड का मतलब कि वो दो पर्सन की बात कर रहा है, या दो शहर की या दो सिटी की बात कर रहा हो, तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर हैविंग लंच. मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता दो हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दोनों हैं, लेकिन एक से ज्यादा हैं, दो सब्जेक्ट है सिंगुलर. तो मैंने आपको बताया जब दो पर्सन्स की बात हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम वहां पर अपनी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जबकि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं, क्योंकि वो दो हैं या दो से ज्यादा हैं. सो हम वहां पर लगाएंगे आर, लगे राम श्याम एंड गीता आर हैविंग लंच. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट है सिंगुलर, नॉट प्लूरल. राम्स नहीं है, श्याम्स नहीं है, गीताज नहीं है, या मिसेज से ऐसे नहीं है. मतलब राम है सिंगुलर सब्जेक्ट, श्याम गीता, राम श्याम एंड गीता आर हैविंग लंच. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. यहां पर है मिस्टर एंड मिसेस सेन आर हैविंग लंच, तो हमने यहां पर कौन सी वर्ब ली, हमने ली यहां पर प्लूरल वर्ब. अब देखिए एक और एग्जांपल है, मैंने आपको बताया यहां पर सिटीज भी, जब सिटीज भी हो हमारी तो भी हम प्लूरल वर्ब लेंगे. जैसे कि दिल्ली एंड मुंबई आर बिग सिटीज, कि दिल्ली और मुंबई जो है बड़े बड़े शहर है. अब दिल्ली एक पर्टिकुलर शहर है, मुंबई एक पर्टिकुलर शहर है, तो सब अगर हम सिंगुलर करेंगे, लाइक दिल्ली इज अ बिग सिटी या मुंबई इज अ बिग सिटी. अब मैं बोलूं दिल्ली एंड मुंबई, मैंने दो को जोड़ दिया, ठीक है, दो हैं, दो को मैंने किसके थ्रू जोड़ा, एंड के थ्रू. जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के थ्रू जोड़ते हैं, साथ में हम उसके लगाते हैं प्लूरल वर्ब, क्योंकि वो दोनों हैं सिंगुलर, बट वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वो दो डिफरेंट सिटीज हैं, दो डिफरेंट पर्सन हैं. सो हम वहां पर लगाते हैं दिल्ली एंड मुंबई आर बिग सिटीज, तो हम वहां पर लगाएंगे आर, प्लूरल वर्ब लगाएंगे. अब देखिए नीचे थर्ड पॉइंट आता है कि जब सेंटेंस में बिगिनिंग विद देयर, कोई सेंटेंस जब हमारा देयर से स्टार्ट हो रहा है, टी एच ई आर ई देयर से स्टार्ट हो रहा है, सो हमारी वर्ब जो है वो अग्री करेगी विद द नंबर ऑफ नाउन जो उसको फॉलो कर रहे हैं. ध्यान रखिए जब भी हम बात करते हैं, जब देयर से शुरू हो रहा है हमारा कोई भी सेंटेंस, और जो हमारी वर्ब है वो अग्री कर रही है नंबर ऑफ नाउन, कितने नंबर ऑफ नाउन्स है वहां पर, कितने नाउन हैं जो कि उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो होगी. जैसे कि देयर इज अ ह्यूज रश इन द मार्केट, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है. देयर इज, अब मार्केट है, देयर से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट है बहुत बड़ी, ह्यूज रश है बहुत सारा, लेकिन देयर इज आएगा, वहां पर हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी. देयर इज अ ह्यूज रश, बहुत सारा रश है, लेकिन उसको नाउन फॉलो कर रहा है, इन द मार्केट देयर इज अ ह्यूज रश. सो देयर आर ह्यूज रश नहीं बोलेंगे, देयर इज अ ह्यूज रश इन द मार्केट. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम देयर से, देयर आर 40 गर्ल्स इन आर क्लास. अब यहां पर देखिए ये वही चीज दिखा रहा है कि जरूरी नहीं है, वहां सिंगुलर वर्ब भी आएगी, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है. अब वो कैसे आएगी, देयर से स्टार्ट हो रहा है, बट
प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर गर्ल्स की बात कर दी है ना कि मार्केट की, और गर्ल्स भी कितनी, 40 गर्ल्स, देयर आर 40 गर्ल्स इन आर क्लास, हमारी क्लास में 40 गर्ल्स हैं, सो हमने वहां पर लगाया देयर आर 40 गर्ल्स, कि हमारी क्लास में 40 गर्ल्स हैं, तो वहां पर हमारी प्लूरल वर्ब आई। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, देखेंगे जब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात आती है जो कि बिगिन हो रहा है विद अ क्लॉज, एक क्लॉज के साथ बिगिन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब है जो फॉलो करेगा उसके एंटीसिडेंट को इन द नंबर जेंडर एंड पर्सन, तीन चीजों में फॉलो करेगा वो उसका एंटीसिडेंट, उसको नंबर में, कितने नंबर हैं, जेंडर, कौन सा जेंडर है, मेल है फीमेल है, और पर्सन कौन सा पर्सन। एग्जांपल देखते हैं, आई मेट रोहित हु इज अ फाइन फेलो, इज क्यों लगाया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज से बिगिन हो रहा है, तो इसलिए जो वर्ब है वो हमारी एंटीसिडेंट्स के अकॉर्डिंग होगी, जो कि हमारे नंबर जेंडर और पर्सन के हिसाब से लगाई जाएगी, कि आई मेट रोहित, मैं रोहित से मिला, हु इज अ फाइन फेलो, जो कि एक बहुत अच्छा साथी है, हु इज अ, रोहित की बात की जा रही है, हु इज अ फाइन फेलो। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा फिफ्थ पॉइंट, जब प्लूरल नाउन की और प्रॉपर नाउन की बात हो, प्लूरल है और प्रॉपर है, ठीक है, देखिए सबसे पहले नाउन इंडिकेटिंग नेम ऑफ कंट्री, जब कंट्री के नाम की बात आ जाए या बुक्स के टाइटल की बात आ जाए, तब हम हमेशा हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो लेंगे, नाउन जब हमारा कंट्री का बता रहा है नेम, या फिर किसी बुक का टाइटल नेम बता रहा है, तो हमारा जो है वो लेगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज, अब देखिए वेस्ट इंडीज एक जगह का नाम है, एक कंट्री का नाम है वेस्ट इंडीज, अब बेशक दिखने में वो वेस्ट इंडीज लग रहा है, वेस्ट इंडिया नहीं, वेस्ट इंडीज लग रहा है, प्लूरल साउंड कर रहा है, बट वो सिंगुलर है, एक कंट्री का नेम है या किसी बुक का नेम भी हो सकता है कोई टाइटल। वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो ग्रुप है किसका, आइलैंड्स का, ठीक है, इसीलिए वहां पर आया वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कि वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। नाउन विद प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग, टेक सिंगुलर, जब जिसकी प्लूरल फॉर्म हो लेकिन मीनिंग उसका सिंगुलर है, जैसे कि फिजिक्स, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स है प्लूरल दिखने में, फॉर्म प्लूरल की है, मीनिंग सिंगुलर है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो वहां पर क्या आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नाउन एक्सप्रेस क्वांटिटी, जब क्वांटिटी एक्सप्रेस करे और क्वांटिटी हमारी प्लूरल हो, जैसे कि 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स प्लूरल साउंड हो रही है, बट है हमारा क्वांटिटी शो करे जब भी, तो वहां पर हमारा बिना देखे आप सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हो, तो 20 किलोमीटर्स इज ना कि 20 किलोमीटर्स आर, 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन आपको पता है जब कोई भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन किया जाता है, सो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, टेक सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा जब हमारा सब्जेक्ट जो है कलेक्शन एज अ होल के लिए हो, जब भी कलेक्शन की बात आए, कलेक्शन एज अ होल के लिए, तो हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द ज्यूरी वॉज गुड इन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने जो भी कहा, ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, जब अ नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो और वो एक चीज पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं, तो उसे ज्यूरी बोला जाता है, जजेस बेसिकली हम कह सकते हैं एक तरीके से, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले, सो ज्यूरी वॉज गुड इन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी जो थी अपने बोला, जो उन्होंने बोला उसमें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही गुड थी। सो ये एक और एग्जाम्पल है इसी के साथ, टेक प्लूरल वर्ब व्हेन सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, जब ज्यूरी जो है वो अपना पर्टिकुलर डिसीजन दे सिंग
सिंगुलर डिसीजन दे, इंडिविजुअल डिसीजन दे, सो वहां पर वो प्लूरल वर्ब लेगी, बट अगर वो कलेक्शन एज अ होल में लेता है तो वो सिंगुलर वर्ब देगा वहां पर. जैसे कि द ज्यूरी वॉज गुड इन इट्स वर्डिक्ट. ज्यूरी मतलब सारों ने मिलकर डिसाइड किया, ग्रुप ने डिसाइड किया, कलेक्शन ने डिसाइड किया, किसी पर्टिकुलर ने डिसाइड नहीं किया. सो हम वहां लगाएंगे द ज्यूरी वॉज गुड इन इट्स वर्डिक्ट. जब बात आती है द ज्यूरी वर्ड डिवाइडेड इन इट्स इन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. अब हर एक बंदे का ओपिनियन अलग अलग था. ज्यूरी में जितने भी पर्सन थे उनका सबका अपना अपना ओपिनियन नजरिया था, तो वो एक राय पर नहीं पहुंच पाए, वो सारों की अलग अलग राय थी. सो हम वहां पर लेंगे प्लूरल वर्ब, ना कि सिंगुलर, क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल डिसीजन दे रहे थे, ना कि इन अ कलेक्शन एज अ होल. ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस सिर्फ हमारा यही था कि जब हमारा कलेक्शन एज अ होल आता है, सारे मिलके लेते हैं, वहां सिंगुलर वर्ब, जब इंडिविजुअल लेगा तो वहां प्लूरल वर्ब. ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड कॉनकॉर्ड था. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एक बार क्विक रिकैप करते हैं हम. हमने किया सब्जेक्ट वर्ड कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड मीन्स अग्रीमेंट. अग्रीमेंट मतलब वर्ब हमारी अग्री करे सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन और नंबर के साथ और पर्सन के साथ सब्जेक्ट के. सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल. एग्जाम्पल्स बताए. पहला नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट. जब नाउन फ्रेज हो एज अ सब्जेक्ट तो वर्ब हमारी आएगी हेड वर्ड के अकॉर्डिंग. याद रखना आपको, जब दो दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिटीज हो, पर्सन हो, तो हमारी जो है प्लूरल वर्ब आएगी. ठीक है, जब देयर से शुरू हो रहा हो तो वर्ब जो है एग्री कर रही है नंबर ऑफ नाउन के साथ, तो हमारा जो है अगर नंबर है ज्यादा है तो आर, और नहीं तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब. ठीक है, जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और क्लॉज से शुरू हो रहा है तो एंटीसीडेंट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग आएगी. प्लूरल नाउन में प्लूरल प्रॉपर नाउन है तो कंट्री है या टाइटल ऑफ बुक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी. प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर मीनिंग है, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी उसके साथ. क्वांटिटी शो कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव में आपको मैंने बताया, जब इंडिविजुअल कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, जब हमारा ग्रुप में कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कह सकते हैं इसे हम. We will discuss our next topic in the next video. And अगर आपको कोई भी doubts है, you can ask in the comment section. And if you like the video, so please press the like button. And we will discuss our next topic in the next video. Till then, thank you so much. Have a good day ahead.